परसेंटेज, हम कोई भी दो रैंडम नंबर ले लेते हैं, सच एज 24% ऑफ 80, तो हम 24 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मैं उसके मेथड आपको आगे बताऊंगी, जैसे कि 8 4 जा 32, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 3 कैरी, और 8 2 जा 16, 16 और 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19। अब जैसे कि इसमें डिजिट है पीछे और इसमें 0 है, तो एक ही में, अगर उसमें भी होती तो उसके लिए भी देखते, अब एक ही में है तो हम एक नंबर को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, यूनिट प्लेस का छोड़कर। अब अगर 8 की जगह कुछ और होता, जैसे कि 45% ऑफ हम यहाँ पे ले लेते हैं 81 ले लिया, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों ही नंबर के पीछे नंबर है यूनिट प्लेस पर, जीरो नहीं है किसी में भी, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3645। आप लोग करके देख लीजिए, यही आएगा। अब क्योंकि 81, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो नहीं है और यहाँ पे भी जीरो नहीं है, मतलब यूनिट प्लेस पर कोई भी डिजिट है, तो हम दो चीज़ों को, यानी टेंस को भी और वंस यूनिट को भी, यूनिट प्लेस और टेंस डिजिट दोनों को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। और हमने पहले वाले